सनातन धर्म के खिलाफ हेट स्पीच देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ी पार्टी डीएमके के नेता लगातार सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से कर रहे हैं। उदय नीति के बाद अब डीएमके नेता ए राजा ने सनातन धर्म का अपमान करते हुए कहा कि सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है, ये कुष्ठ रोग और एचआईवी से भी ज्यादा घातक है। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பாக்குற ஒரு ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப ஹச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று बीते हफ्ते 2 सितंबर को डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू से कर दी थी। ऐसे में देश में उनके खिलाफ आलोचनाओं का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने 6 सितंबर को अपने बयान पर कायम रहने की बात करते हुए सनातन धर्म में भेदभाव का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने माफी मांगने से भी मना कर दिया। इसके बाद उनके खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही उदयनिधि के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके बाद उन्होंने यूटर्न लेते हुए जवाब दिया और कहा कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मणिपुर हिंसा भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए सनातन धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि हम किसी भी धर्म के शत्रु नहीं हैं। इसी के साथ ही उन्होंने सनातन धर्म वाले बयान पर कहा कि मैं सभी मामलों का कानूनी रूप से सामना करूंगा। वहीं बीजेपी ने डीएमके और सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वालों को आड़े हाथ लिया और कहा कि ये जो गठबंधन इंडिया है, यही सबसे बड़ी बीमारी है। एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉर्न के गुरु हरमन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं है। सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वालों के खिलाफ पीएम मोदी ने पहली बार कुछ कहा है। 6 सितंबर को उन्होंने अपनी मंत्रियों से कहा कि ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ वे सख्ती से जवाब दें। तो उधर बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल आरजेडी नेता जगदानंद ने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। उन्होंने कहा कि देश में मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा।